प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपना इंटेलिजेंस इंक्रीज कर सकते हो। इंटेलिजेंस का मतलब है कि आप में वह शक्ति जिससे आप हर चीज को समझ सकते हो, ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, चीज को याद कर सकते हो तथा उसका उपयोग भी कर सकते हो। यह ऐसी बुद्धि की शक्ति है तथा जिसके पास इंटेलिजेंस है उसमें ही कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी चीजों को याद करेगा तथा उसका उपयोग कर सकता है। जिसके पास बुद्धि नहीं है वो चीजों को याद भी नहीं कर सकता, समझ भी नहीं सकता तथा उसका उपयोग भी नहीं कर सकता। तथा इसके साथ साथ ही आपकी सक्सेस भी इसके ऊपर निर्भर करती है। दुनिया के जितने भी जीनियस हैं, जिसकी लिस्ट आप विश्वकोश में पढ़ सकते हो, उनमें सभी में बुद्धि थी। वो जीनियस तभी बने जब उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस का उपयोग किया। तो इसको कैसे इंक्रीज किया जाए, तो आज हम यह सीखते हैं। इसके 5 पॉइंट हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। पहला पॉइंट है, स्टार्ट वर्क विद रिवर्स वे। दोस्तों, उल्टा काम शुरू करने से आप अपने ब्रेन को चैलेंज दे रहे हो। दुनिया में लाखों ही लिस्ट हैं जिस काम को आप उल्टा कर सकते हो। उससे क्या होगा, नॉर्मली ब्रेन अपनी शक्ति का 10% ही उन कामों को करने के लिए यूज करता है जो आप सीख चुके हो। मान लीजिए, एक मैं सीधे सी बात कहता हूं, आप सीधा चलते हो, 10% ब्रेन यूज करता है, आराम से चलता है, चलते जाता है, उससे कोई चैलेंज नहीं मिला। तो अगर आपने अपनी इंटेलिजेंस या अपनी बुद्धि को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, उसका लेवल 10% से 90%, 100% लेके आना है, तो उल्टा काम क्या होगा, उल्टा चलना। तो आपके जो आंखें हैं वो पीछे देखेंगी, ब्रेन को संदेश देंगी, कहीं आप गिर तो नहीं जाओगे। धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप उल्टा चल सकोगे। तो क्या है कि आपकी बुद्धिमत्ता इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही कई लोग हैं, आंखें बंद करके चलते हैं। वैसे आंखें खोल के चलना होता है, वो आंखें बंद करके चलते हैं। तो उनकी कैपेसिटी, उनको पता है कि ये फोकस है, वो बिल्कुल डर से निर्भय होके आगे चलते हैं। ऐसे ही उल्टे हाथ से लिखना ब्रेन को एक चैलेंज है। ऐसे ही आप अलग अलग चैलेंज ब्रेन को दे सकते हैं उल्टे कामों को करते हुए। अगर हम जीनियस की लिस्ट निकालें तो हर फील्ड में लोगों ने उल्टे काम किए तो दुनिया उनको पागल कहती है, पर जब उन्होंने काम सिद्ध कर दिया तथा वो उस लेवल पे पहुंच गए बुद्धि के जहां कोई भी नहीं पहुंचा, थॉमस एडिसन, जिन्होंने 10,000 बार एक्सपेरिमेंट किए और उसके बाद बल्ब की खोज की। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करते गए, साइंस में इसे एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अगर हम इसी को कोई कलाकारी में लेके जाएं तो इसको स्टेंट कहते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों में इतना इतना कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है अपनी बुद्धि को इंक्रीज करते हुए। वो ब्रेन को बार बार चैलेंज देते हैं कि हाँ, ये काम करो, ये काम हमने सीख चुके हैं, अब इस स्किल को सीखने के लिए इसका उल्टा करो। तो आपका ब्रेन उसको एक्सेप्ट करेगा, एक नई स्किल आपको प्राप्त होगी। बहुत बड़े बड़े स्टैंड लोगों ने जो लगाए, ठीक, पैराशूट से नीचे आना, ठीक, यह क्यों हुआ, लाखों लोगों के सामने बोलना, ये क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने अपनी इंटेलिजेंसी को 10% से लेकर 100% तक पहुंचा दिया सिर्फ उल्टे काम करने से। तो आपने आज ही से रोज एक नया उल्टा काम स्टार्ट करना है जो नॉर्मल आप कर रहे हो। जैसे मोबाइल नंबर बोलना है उसको उल्टा बोल दीजिए, पीछे स्टार्ट कीजिए, आगे कीजिए। तो क्या है कि आपको एक नई स्किल मिलती जाएगी, ब्रेन का लेवल बढ़ता जाएगा आपका। उस लेवल तक पहुंचोगे जहां आप सब कुछ सोच सकते हो, समझ सकते हो, याद कर सकते हो तथा लोगों को समझा सकते हो, उस ज्ञान का सदुपयोग कर सकते हो।
दूसरी बात है फाइंड इनसाइड सपोर्ट विद मेडिटेशन। देखो दोस्तों, हम ये जानते हैं कि हमारे अंदर ही सभी शक्तियां हैं, शक्तियां बाहर नहीं है, कोई ऐसी मशीन नहीं है जो हमें शक्ति देगी, चाहे वह ब्रेन की ही शक्ति क्यों ना हो। शारीरिक बल उससे ज्यादा 10 गुना बल होता है बुद्धि का बल। दो व्यक्ति आपस में फाइट करते हैं, उस फाइट में वो मनुष्य जीतेगा जिसने बुद्धि का इस्तेमाल किया है, जिसने अपने शरीर का बल का इस्तेमाल किया वो कभी भी नहीं जीतेगा। अगर आप विजेता बनना चाहते हो तो आपने अपने इनसाइड जो शक्ति है उसको, उसकी सपोर्ट लेनी है। आपके अंदर आत्मा भी है और परमात्मा भी है। हम कहते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा जो शक्ति है बुद्धि की, दुनिया की सबसे ज्यादा सुप्रीम पावर है, जो जिसमें सबसे ज्यादा ब्रेन है, वो है परमात्मा, नेचर, गॉड, किसी भी नाम से उसे बुलाया जा सकता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, हमारी कोई समस्या है, हम में इतनी बुद्धि नहीं है कि हम उसे सोल्व कर सकें, तो आंखें बंद करके उसी की तरफ ध्यान दीजिए, मेरी यह समस्या है, यह समस्या, इसका सलूशन कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा। एक फोकस जब आंखें बंद करोगे तो हमने उसकी सपोर्ट मांगना स्टार्ट करना है, तो धीरे धीरे वो सपोर्ट हमें मिलने लग जाएगी। सुबह 5 मिनट, दोपहर को 5 मिनट, रात को 5 मिनट, उसके बाद 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, सुबह दोपहर को 1 घंटा, रात को 1 घंटा, ऐसा समय भी आए जब आप इस मेडिटेशन को पूरे 12 घंटे से लेकर 24 घंटे तक पहुंचा दें, तो आपकी जो इंटेलिजेंसी है उसका लेवल भी 0% से लेकर 100% तक पहुंच जाएगा। शक्तियां मिलेंगी क्योंकि गॉड इनविजिबल है, आत्मा इनविजिबल है, तो उससे हम जब शक्तियां लेंगे तो हमारी इस फिजिकल बॉडी में जो ब्रेन है उसका आईक्यू है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अब तीसरी बात है प्रैक्टिस योर स्किल। दोस्तों, आपने रिवर्स की स्किल भी प्राप्त की, आपने मेडिटेशन भी कर लिया, अब बात आती है कि उसकी प्रैक्टिस करना है। जब भी कोई स्किल आपको मिल जाए तो ब्रेन की एक क्वालिटी है कि वो बहुत छेती भूल भी जाती है, गॉड गिफ्ट है कि हम भूल जाते हैं, फॉरगेटनेस एक अच्छी आदत है कि बहुत दुख तकलीफ हमें भूल जाती हैं, तो हमें अच्छी स्किल्स को बार बार प्रैक्टिस करनी है, इससे आपके ब्रेन की जो इंटेलिजेंसी है वो इंक्रीज होती जाएगी, आप बुद्धिमान होते चले जाओगे। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मान लीजिए आपने एक जर्मन लैंग्वेज सीखी, फ्रेंच सीखी, इटालियन सीखी, संस्कृत सीखी, अब उसका बोलचाल में बोलते जाइए, दोस्तों से, अपने जो कंप्यूटर में आपके बहुत सारे सर्कल है, गूगल प्लस पे, स्काइप पे, कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो दूसरी लैंग्वेज जानते हैं, उनसे वार्तालाप करते जाइए, तो आपको लैंग्वेज के ऊपर कमांड आती जाएगी। वो कहेंगे हाँ, इस व्यक्ति को 20 लैंग्वेज आती है, इसको 25 आती है, क्योंकि आपने अपने ब्रेन को बार बार प्रैक्टिस के लिए मजबूत किया। जैसे मसल्स होते हैं ना, वो मसल्स बनते जाते हैं, ऐसी ब्रेन के मसल्स बनते जाएंगे, उसकी विल पावर, उसका स्टेमिना बढ़ता जाएगा सिर्फ प्रैक्टिस से, वरना उसका स्टेमिना वैसे का वैसा रह जाएगा। मेन तो बात है ब्रेन के स्टेमिने को बढ़ाने की, तो वो बढ़ जाएगा। आपने अपनी स्किल की प्रैक्टिस करनी है, एंड गिव द टेस्ट, समय समय पे आपने अपना टेस्ट भी लेना है। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में टीचर्स आपका टेस्ट लेते थे, अब आपने सेल्फ स्टडी की तरफ जाना है, रोज अपने मन से, अपनी आत्मा से, अगर आपने अपनी बुद्धि को इंक्रीज करना है तो अपने आप को एक टेस्ट देना होगा। जो भी स्किल आपने सीखी उसकी प्रैक्टिस की, धीरे धीरे उसका टेस्ट दे दीजिए, हाँ मुझे इस 10 में से कितने नंबर मिलने चाहिए। मान लीजिए आपने लोगों के सामने बोलना है, ऐसे शब्द बोलने हैं जिससे वो प्रभावित हों,
तो उसको कागज में लिखिए, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद बोल के देखिए तथा लोगों का रिस्पॉन्स देखिए, उसके बाद आप अपने आप को टेस्ट दीजिए, हाँ मुझे इसमें से 5 नंबर मिलने चाहिए। दोबारा तीसरे नंबर पे आइए, फिर प्रैक्टिस कीजिए, फिर टेस्ट दीजिए। तो इससे क्या है, जो आपका ब्रेन है बहुत चीजें समझ जाएगा। हाँ आगे मेरे को एक टेस्ट देना है, एक चैलेंज देना है, तभी मैं क्लियर करूंगा जब मैं बुद्धिमान हो जाऊंगा, उसकी शक्तियां बढ़ने लगेंगी। एंड इन लास्ट, ईट ओनली मिल्क एंड फ्रूट। देखो जैसा अन्न होता है वैसे ही हमारा मन बनता है। यदि मन में फ्लक्चुएशन है तो ब्रेन को फोकस नहीं मिलेगा। ब्रेन का काम होता है कि एनालाइज करना, ये गलत है, ये सही है, मुझे इस रास्ते पे जाना है। आप अपनी इंटेलिजेंसी इंक्रीज कर रहे हो, इसका मतलब आपका माइंड जो है वो स्टेबल होना चाहिए, बिल्कुल स्थिर। उसमें फ्लक्चुएशंस होंगी, आपका मन नहीं लगेगा। अगर आपने फोकस करना है तो सिर्फ दूध और फ्रूट्स, जितने भी फल हैं वो खाइए, भोजन त्यागिए, फोकस दीजिए, आपको हर चीज याद हो सकती है। यदि इन 5 पॉइंटों के ऊपर आपने अमल करना शुरू कर दिया, पहले पॉइंट के ऊपर, दूसरे पॉइंट से तीसरा, चौथा या पांचवा, ये आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे भोजन है, अगर नॉन वेज खाते हो आप, तो उससे क्या है, आपका माइंड स्टेबल नहीं होगा। जब आप ये काम करना स्टार्ट करोगे, ये काम करना करोगे, ये काम करना स्टार्ट करोगे, तो आपका मन नहीं लगेगा। तो बुद्धि कैसे इंक्रीज होगी, चाहे आप बच्चे हो, जवान हो, चाहे आप बूढ़े हो, हर समय हमें बुद्धि को बढ़ाते चले जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले जो समस्याएं हैं उसका हल तो हमें अंदर से, अपनी ब्रेन से ही लेना पड़ेगा। तो अपने माइंड को स्टेबल करने के लिए यह नियम भी पालना आवश्यक है। स्टार्टिंग में धीरे धीरे काम कीजिए और बढ़ाते जाइए, और मुझे उम्मीद है एक दिन आप दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बन जाओगे। सिर्फ एक विश्वास रखने की आवश्यकता है, जिसने विश्वास किया वही आगे बढ़े हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच।